हेलो एवरीबडी वेलकम बैक टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर यू पी एस सी फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द सीरीज जिसका नाम है क्वालिटी एनरिचमेंट फॉर प्रीलिम्स सीरीज़ और ये उसका फर्स्ट पार्ट है ना इस सीरीज़ में क्या होगा लाइक आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि हर एग्जाम uh, में ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आएंगे ओके फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट बायोसफेयर रिजर्वस हो गए वेटलैंड हो गए स्पीशीज़ हो गई सम्मिट्स हो गए कन्वेंशन हो गए ऑर्गनाइजेशंस हो गई देन कंट्रीज सराउंडिंग अ कंट्री और सी या फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आएंगे और ये होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कवर करके जानी चाहिए बिकॉज सी सिलेबस आप पढ़ेंगे बुक्स आप पढ़ेंगे और मेन चीज क्या होती है कि यू हैव टू बी एट अ स्टेज जहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आप श्योर हैं लाइक विद द इंक्रीजिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द पेपर एंड डिफिकल्टी लेवल आपको ये समझ आ रहा होगा कि यू में क्या हो रहा है ना आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल है कि वो आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में देंगे एक तरफ वो हिल कोई आपको हिल दे देंगे नीचे बायसफेर रिजर्व दे देंगे और उसके नीचे में भी स्पीशीज दे देंगे और आपको आएगा ये मैच करने के लिए नाव एक ही क्वेश्चन में दे हैव आज यू थ्री थिंग्स डिफरेंटली ओके तो ये आपको तब पता होगी जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा आपको याद होगा ना मे बी आपको सब बोलते हैं कि हमें तीन ऑप्शंस नहीं आते होंगे तीनों को तीनों बिकॉज नाउ डज़ द आस्किंग यू कि टू ऑप्शंस आर करेक्ट और थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट बट एटलीस्ट आप फिफ्टी फिफ्टी की स्टेज पे तो पहुँचिए सी दे इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट डूइंग एनी थिंग आप बेर मिनिमम करके जाइए जितना आप कर सकते हैं द रेस्ट इज़ लाइक यू जस्ट हैव टू डू योर हार्ड वर्क बाकी जो होगा देखा जाएगा सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग क्योंकि आई डो नॉट बिलीव कि मैं आपको बताऊं कि इसमें से पेपर आ जाएगा ऐसे आ जाएगा आई नेवर डिड दैट एंड नीदर डू आई नो कि ऐसे क्या कैसे करना है बट एटलीस्ट यू कैन डू द थिंग्स जिसमें से पक्का क्वेश्चन आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है सो so, ये जो सीरीज़ है मैं हर सब्जेक्ट के लिए लाऊंगी सो करेंटली आई एम डूइंग विद इन्वायरमेंट जिसका फर्स्ट वीडियो दिस इज़ ऑन वेट लैंड अब दिस इज़ द पी डी एफ और ये पी डी एफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रख रही हैं ये जो पी डी एफ है अगर आप वेट लैंड में सिर्फ इतना पढ़ के जा रहे हैं ट्रस्ट मी दिस इज़ मोर देन इनफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसेज जिसकी बात होगी यहाँ पे वेटलैंड की लाइक मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं और इसके आगे मैंने इसके स्पेशल फीचर्स की हैं जिसके आगे हार्डली मुझे लगता है सात आठ होंगी जिनके आगे कुछ नहीं लिखा है उसमें कुछ है नहीं मतलब वो सिर्फ आप जगह याद रखेंगे तो उतना काफ़ी है सो दिस इज़ द पी डी एफ और ये आप इतना याद करके जाएंगे इट्स मोर देन सफिशियंट सो पहली चीज़ रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड वेटलैंड आपको पता होंगे उनको इकोटोन एरियाज़ कहते हैं लाइक like, ना ही वो टेरेस्ट्रियल होते हैं ना ही वो इक्वेटिक होते हैं बट उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है उसी वजह से वो होते हैं इम्पोर्टेंट सो so, ये जो हमने साइन किया था ये हमने किया था रामसार जो कि ईरान में एक सिटी है ऑन सेकेंड फेबररी ऑफ 1971 देखिए इंडिया साइन जित इन फेबर फर्स्ट नाइनटीन ठीक है तो आपको ये याद रखना है कि नाइनटीन में हुआ था रामसार की सिटी में हुआ था ना फॉर ऑल दोज पीपल जो पी देते हैं आजकल यू में भी कभी कभी दे के ना आस्क तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड फेबररी हर साल हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं उस दिन ओके करेंटली द नंबर ऑफ कंट्रीज इज 171 ये 2023 की डेटा के हिसाब से है नाउ यू मस्ट नो कि ये ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स आपको हमेशा मिल जाएंगे यूपीएससी में कि द सेंटर ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड फिलोसफी इज वाइज यूज ऑफ वेटलैंड ये थ्योरी पार्ट है ये आप खुद पढ़ सकते हैं नेक्स्ट इज कि वैन अ कंट्री असीड्स टू दी कन्वेंशन इट मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ना उसे वेटलैंड बहुत सारे होंगे इंडिया में बट हमको वो पढ़ने हैं जो रामसर साइट्स में इंक्लूडेड हैं ओके सो एज सच जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तक के डेटा के हिसाब से वी करेंटली हैव 80 वेटलैंड रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया और हमको 80 की 80 साइट्स याद करनी है पहली चीज़ देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट सी इन यू पी एस सी देर इज़ नो शॉर्टकट देर इज ऑलवेज स्मार्ट वर्क अब आप 80 रामसर साइट्स याद करेंगे अब उससे क्या होगा ना अगर आपने 80 की 80 साइट्स याद होंगी आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा पहली चीज़ लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल आप लास्ट uh, में ये देखिए मैं कोई लास्ट में दिखाना था बट आई एम शोइंग यू हर 2021 में क्या हुआ था व्हेन आई अपियर ये क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू इंडिया दीदवाना कुचावन सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ ये दिया था नाउ यू सी रामसर साइट्स ना जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम पे मे बी थी शायद और फोर्टी की फोर्टी मुझे याद थी तो आई वॉज ईजिली एबल टू एलिमिनेट दिस सी ऑप्शन की रामसर साइट्स नहीं हो सकता है उसका आंसर दूसरी चीज़ ग्लेशियर्स आप पढ़ के जाएंगे अगेन दिस इज समथिंग जो आपको पढ़ के जानी है लाइक like, आप रिवर्स पढ़ेंगे तो आप पासिस भी पढ़ेंगे ग्लेशियर्स भी पढ़ेंगे ये दो चीज़ अगर आपको अच्छे से पता होगी तो ठीक है आप ये दो हटा देंगे बचा मैंग्रोव एरियाज़ और सलाइन लेक्स आपको मैंग्रोव एरियाज़ के बारे में पता है मोस्टली कि कहाँ कहाँ पर है इंडिया में तो मोस्टली अगर आप इतना भी करते तो आप फिफ्टी फिफ्टी पे होते तो मैंने सलाइन लेक्स ही किया था क्योंकि मुझे पता था कि रामसर साइट्स तो आंसर नहीं है ओके सो दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग कि आपका काम है याद करके जाना तो वी विल रिमेंबर मतलब हमको एट्टी की एट्टी साइट्स याद करनी है ट्वेंटी फोर हंड्रेड आंसर साइट्स हैं uh, ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ये याद रखिए कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट साइट थी फॉर ऑल दोज पीपल जो पी के लिए या स्टेट एग्जाम्स या कोई भी ऐसे एग्जाम के लिए करते हैं वो याद कर सकते हैं कि ये कोबोर पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया है सबसे पहली साइट वहाँ पर थी लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि द हाइस्ट नंबर ऑफ साइट्स इज़ इन यूनाइटेड किंगडम दिस इज़ इन नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बट वेन यू टॉक अबाउट द एरिया इट इज़ इन बोलीविया सो so, सबसे पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम जिसमें 175 सेवेंटी रामसर साइट्स हैं उसके बाद आता है मैक्सिको और एरिया वाइज बोलिविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन ओके okay. इंडिया में मैंने आपको बता दिया कि 80 रामसर साइट्स हैं और हमारे यहाँ हाइएस्ट तमिलनाडु हैं ओके करेंटली आए थे अभी तो फोर्टीन uh, साइट्स हैं फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश जहाँ पे टेन साइट्स हैं नाउ लेट्स गेट स्टार्टड विद दिस कि आपको याद करनी है नाउ आई हैव प्लीज द मैप मैंने यहाँ पे ना मैप डाला है एंड आई हैव डाउनलोडेड इट फ्रॉम पी एम एफ आई एस उनका है आप मतलब बहुत सारे मैप्स अवेलेबल हैं अभी एटी साइट के साथ मुझे यही दिख रहा था एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ कैन यू रिवाइज सी रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप कम पढ़ लेंगे चल जाएगा बट जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन प्लीज टाइमली करिएगा क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहा ना तो देट कैन बी अ ब्लंडर फॉर यू ओके आप किसी साइट का कुछ और लिख के आ जाएंगे नाउ यहाँ पे ये हैं आपको क्या करना है ना रिविजन के टाइम पे कि आपको साइट देखनी है जैसे मान लीजिए आपने अभी यहाँ पर देखी आपको पता चला ठीक है कंवरताल की बात हो रही है तो आपको कंवरताल नाम सुनते ही ना पहले ये पता होना चाहिए आप ऐसे उसके ऊपर हाथ रखिएगा मैप के ऊपर और सिर्फ साइट्स के नाम पढ़िएगा तो सपोज़ कंवरताल है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है और इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं स्पेशल फीचर्स से क्या मतलब है कि हर मतलब कुछ कुछ पैटलाइन है जहाँ की कोई स्पीशीज़ है जो सिर्फ वहीं पाई जाती है वहीं की एंडेमिक है तो आपको याद होनी चाहिए कोई रिवर है जो वहाँ से पास हो रही है तो आपको याद होनी चाहिए जो कि मैं भी आपको बताऊंगी सो आई हैव मेड वर्क ईजियर फॉर यू कि आप ये पी डाउनलोड कीजिएगा इसको पढ़ेंगे आप मुझे नहीं लगता रामसर साइड्स में आपको और कुछ भी याद करने की जरूरत है ओके यू विल बी इन अ स्टेट जहाँ पे आप स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत ओके सो फर्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश ओके आंध्र प्रदेश में यू हैव कोलेरू उसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो लेक है ना ये दो रिवर्स के बीच में है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में एक वद्दी कम्युनिटी है जो आप थोड़ा सा याद रखेगा ये एक बार में आपको याद नहीं आएंगे आप दो तीन बार में देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे मुझे भी ऐसे याद हुए थे और प्रिलम्स में ना अच्छी चीज़ें यही होती है कि अगर आपको फेमिलियर दिखेगा तो आप इतना कर लेंगे कि आप सही आंसर पर पहुँच जाएंगे सो दिस इज द कम्युनिटी जो इससे एसोसिएटेड है तो आप ये देखिएगा आसाम में डीपो और बिल है ओके okay? अब आपको इससे रिलेटेड क्या याद रखना है कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो इसी के पास है और ये फ्रेश वाटर लेक है अब मैं बताऊंगी कि आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया रहता है ना कि फ्रेश वाटर है या सलाइन है तो आपको कैसे हेल्प होगी क्योंकि नीचे ना देव आज डू व क्वेश्चन इन 2018 कि इनमें से कौन सा मैन मेड है या कुछ ऐसे ही करके क्वेश्चन था ओके नाउ इन बिहार यू हैव कबरताल वेटलैंड एंड नाल सरोवर ये दो हैं मैंने इसमें स्टेट वाइज किया हुआ है तो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जो कि ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ऐसे फिगर्स आपको पता होना चाहिए ना ये मीएंडरिंग ऑफ गंडक से बन बनती है बनती है एंड गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओके अब आप इस तरीके से याद करेंगे ना तो आपका जोग्राफी भी याद होगा तो आपको ये याद रखना है कि इधर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि ठीक है तीन वल्चर्स हैं ये दो हैं सोशल सोशेबल लॉपिंग और बेयर्स पोचार्ड नाव आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक क्वेश्चन था वो आपको एक साइंटिफिक नेम दे देंगे दो तीन और पूछेंगे ये क्या है बर्ड है या फिर फिश है तो ये चीज़ें उसमें हेल्प करेंगी क्योंकि आपको ऐसे आ जाए कि बेर्स पोचार्ड तो मे भी, भी आपको याद ना रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना आर बर्ड्स ओके नाउ नाल सरोवर ये है ये नाल सरोवर वेटलैंड जो है ना ये लिटिल रन एंड गल्फ ऑफ खंबाद के बीच में होता था पहले ओके okay. और यहाँ पे इंडियन वाइल्ड लाइफ्स बहुत मिलती है अब इंडियन वाइल्ड लाइफ ना बेसिकली मिलती है रन ऑफ कच्छ में है वहां पर सेंचुरी भी है इनकी लेकिन ऑब्वियसली वहाँ मिलेगी तो ये पास में है तो यहां पे भी मिलती है नाउ इंडियन वाइल्ड लाइफ सिर्फ गुजरात में है ओके दिस इज समथिंग जो आपको याद होना चाहिए बिकॉज एशियाटिक लाइन भी वहीं पर मिलता है तो किसी चीज का सोल अबोर्ड अगर वहां पर है तो ये आपको याद रखना है नाउ कमिंग ऑन टू गुजरात अगेन पहले आप देखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं ना पहले आप एक मैक्रो व्यू लीजिए लेट मी एक्सप्लेन। आप पहले पढ़ रहे हैं तो पहले आप सिर्फ नाम याद कीजिए ये, ये. आपको ऐसे याद पहले आप देखिए गुजरात में तीन है, थोल लेक, Friday, second, यहां से जाती है सो दिस इज इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर और सांग जाती है मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई ब्लू में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना मैंने वो ब्लू में हाईलाइट की हैं तो इससे आपको और इजी रहेगा कि ये चीज़ें आपको पक्का याद रखनी है सो so, आप रिवर याद रखिएगा थोल लेक में इतना कुछ खास नहीं है सिवायस के कि इट इज़ आर्टिफिशियल लेक खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन मैंने आपको बता दिया कि रूपारेल एंड कालिंद्री रिवर्स है अगर आपको याद रहता है तो ठीक है बाकी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट लेकिन आपको ओरसांग रिवर याद होनी चाहिए कि वधावना वेटलैंड में ये है नेक्स्ट गोवा गोवा में एक ही वेटलैंड है रामसर वेटलैंड जो है नंदा लेक और ये जुआरी रिवर की ट्रिब्यूटरी से लोकेटेड uh, है मतलब उसके बगल में है ओके okay. हरियाणा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचु, सेंचुरी हो गई ये दो हैं हरियाणा में तो सुल्तानपुर में इतना कुछ याद करने के लिए नहीं है यू जस्ट नीड टू नो द प्लेस जहाँ पे वो है भिंडावास में क्या है साहिबी रिवर आपको याद होनी चाहिए इसमें भी अगेन इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ये मैं जब पी अभी शेयर करूँगी ना उसमें मैं वो चीज़ें ब्लू से हाईलाइट कर दूँगी ये भी इंपॉर्टेंट है लाइक like, वदावना में और थी यहाँ पर साहिबी रिवर है ये आप याद रखिएगा ओके नाउ इट शेयर्स बॉर्डर विद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ किसी रामसार वेटलैंड साइड पे अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है तो वो आप याद रखिए इस तरीके से क्या है ना इसको कहते हैं इंटरलिंक करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत ज़्यादा हैं नेशनल पार्क तो आप एक पल के लिए याद भी कर लेंगे लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिंस बहुत ज़्यादा है तो आप वो वो याद कीजिए जिसकी कुछ सिग्निफिकेंस है या फिर जो इंपॉर्टेंट है सो हियर इट इज़ लाइक खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो यहाँ पे है ओके okay, उसका बॉर्डर शेयर होता है ना नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश इसमें अगैन तीन है हमारे पास डैम लेक चंद्रता वेटलैंड रेणुका वेटलैंड और वाटर स्टोरेज रिजर्वायर ब्यास रिवर पे यहीं पर है ठीक है नेक्स्ट इज इसको आप महाराणा प्रताप सागर मैनमेड महाराणा प्रताप सागर वेटलैंड भी कहते हैं ओके ये लेक को फिर ये मैन है चंद्रताल में आपको ये याद रहना चाहिए कि इसको हम समुद्र टापू प्लेटू भी कहते हैं फिर चंद्रा रिवर से इसमें पानी आता है ओके नेक्स्ट रेणुका वेटलैंड ये लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश का इतना आपको याद रहेगा नाव चंद्रताल में चंद्रा रिवर आपको ऑलमोस्ट पता भी होगा अगर आपने रिवर्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा ओके नाउ जम्मू एंड कश्मीर उसमें आप आएंगे अगेन यू हैव हाँ टू तो फर्स्ट सी कि कौन कौन से वेटलैंड हैं वहाँ पे वूलर लेक सुरिंदसर मानसार लेक्स होकेरा होकेसर भी बोलते हैं उसको हाईगाम शैलबाग ठीक है ये सारे हैं अब ये जो है ना न्यू न्यू आए हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा लाइक शैलबग हो गया हाई हो गया तो ये आप मिस uh, वो मत कर जाइएगा कि कहाँ पर हैं ये सब चीज़ें याद रखिएगा फिर वूला लेक में आपको पता है कि झेलम रिवर का पानी आता है नेक्स्ट इज uh, जो भी इम्पॉर्टेंट है uh, इसका अगर आपको सिर्फ आइडिया है ना देखिए ज़्यादातर जम्मू में जो है ना वो झेलम रिवर बेसिन में आती हैं तो अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है झेलम रिवर तो आपको याद रह जाएगी बट इससे ज़्यादा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है नियर आचार लेक सी आई हैव इंक्लूडेड एवरी इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लिसिटली आपको बताती जा रही हूँ ओके नेक्स्ट इज कर्नाटका कर्नाटका में अगेन यू हैव फोर वेटलैंड्स रामसर वेटलैंड्स रंगनाथ थिट्टू बर्ड सेंचुरी अंका समुद्र वर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व देन अघानशिनी एस्टरी देन मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व ओके ना ये जो रंगानिठू है इसको हम पक्षी काशी ऑफ काशी ऑफ कर्नाटका भी बोलते हैं और कावेरी रिवर इज़ एसोसिएटेड विद इट ओके आपको बेसिकली जब आप खुद पढ़ रहे हो ना आपको सीधे ये याद आना चाहिए कि ठीक है इट्स टॉकिंग अबाउट रंगानाथिटू बर्ड सेंचुरी तो मुझे कावेरी याद रखना है और इसका नाम अगर आपको याद है तो ठीक है वरना नॉर्मली याद ही हो जाएगा ओके दिस इज़ हाउ यर सपोज टू रीड सी कुछ कुछ चीज़ों में ना आपको सिर्फ नाम याद रखना है इतना उसकी डिटेल्स है नहीं जिसमें है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ नेक्स्ट इज केरला केरला में है कुछ अब केरला के जो है ना उसको आप मार्क कर लीजिएगा दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें वेम्बरनाड आता है अष्टमुरी वेटलैंड आता है सष्टम कोटा आता है और मुझे लगता है सष्टम कोटा मे बी देव आज इन प्रीवियस ईयर्स आई डोंट रिमेंबर बट जहाँ तक मुझे याद है शायद कभी क्वेश्चन आया है सो so, uh, अष्टमुढ़ी वेटलैंड इसमें आपको क्या याद करना है कि ये जो है ना नींदा करा पोर्ट पोर्ट याद रखिएगा मुनरो आइलैंड इज एसोसिएटेड विद इट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा कलाडा रिवर इज़ अगेन इंपॉर्टेंट एंड नेशनल वाटर वे थ्री यहाँ से होकर जाता है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सो ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं ये आपको याद करने हैं मैं इसको फिर से ब्लू में हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको ईजी पड़े देखने में कि वॉट इज इंपॉर्टेंट देन कम्स दष्टम कोटा लेक इसको हम क्वीन ऑफ लेक्स भी कहते हैं ओके okay, नाउ ये जो है ना अष्टमुडी वेटलैंड और वेम्बनाड ये दोनों लगून लेक हैं लगून मतलब ये कोस्टल एरिया में आते हैं ना जो लेक्स उनको हम लगून लेक कहते हैं तो सष्टम कोटा लेक जो है वो लगून लेक नहीं है ये भी आप याद रखिएगा कि केरला में थ्री रामसर साइट्स हैं उसमें से दो लगून लेक्स में आते हैं एक नहीं आता है जो कि है सष्टम कोटा नेक्स्ट इज वेम्बनाथ एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है और एज वेल एज द लार्जेस्ट ऑफ केरला यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है जो कि आपको न्यूज़ में अक्सर देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट इज़ ये सारे आइलैंड्स हैं इनको आप याद मत कीजिए बट थोड़ा नाम देख लीजिए कि पथी रमन अलाल पेरुम सॉरी फॉर द प्रोनउंसिएशन अगर मेरा कहीं पे भी गलत हो जाए बिकॉज uh, थोड़ा सा हो जाता है नेक्स्ट इज वाइपिन मुलावुकड uh, वलारपदम एंड विलिंगडन आइलैंड ये सारे आइलैंड्स हैं इसका आप थोड़ा सा नाम याद रखिएगा हो सके तो विलिंगडन को याद रखिएगा बिकॉज इट इज अ पोर्ट एसोसिएटेड विद इट दैट इज़ कोची पोर्ट ओके सो वलारपदम एंड विलिंगडन आइलैंड जो है ये वेम्बनाड से एसोसिएटेड है नेक्स्ट एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी वो इसके ईस्ट कोस्ट पे है वेमनाराट के सो so ये भी आपको अगेन याद रखना है देर आर सिक्स मेजर रिवर्स एच एन कोविल मनीमला मीनाचिल रिवर्स मुवत्तू पूजा नौ ये पूजा वाली रिवर्स जो है ना कुंती पूजा ये सारी आपको पता होगा कि दीज आर एसोसिएटेड विद केरला पंबा एंड पेरियार नेशनल वाटर वे थ्री अगेन इससे जाता है सो नेशनल वाटर वे थ्री एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा और एक हमने ऊपर पढ़ा है सी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट याद करने में बट जब आप ये टर्म्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको याद हो जाएंगे एंड मोर स्पेसिफिकली आपको पता है यूपीएससी पी साउथ इंडियन जो हैं साउथ इंडिया में नेशनल पार्कस वाइज फायर रिजर्व एंड नॉर्थ ईस्ट में वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ओके okay, सो so आपको उन उनपे ज़्यादा ध्यान देना है नेक्स्ट लद्दाख में अगेन यू हैव टू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एक है सोकर एक है सोमोरीरी ओके okay. नाउ सोकर ना इस कम्प्राइज कंप्राइज ऑफ टू लेक्स जिसमें हैं एक इसमें फ्रेश वाटर है जिसको हम स्टार सपू सो कहते हैं और एक है हाइपर सेनाइन सोकर लेक ठीक है ये याद रखिएगा और रूफसू प्लेटू इज एसोसिएटेड विथ सोकर वेटलैंड मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है ये आप याद कर लीजिएगा ओके okay. नेक्स्ट इज सोमोरीरी ये चांगथांग प्लेटू है सो रूफसू प्लेटू इज एसोसिएटेड विद सोकर एंड सोमोरीरी इज एसोसिएटेड विद चांगथांग प्लेटू एक्चुअली आई वॉन्टेड टू हाईलाइट बट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर स्क्रीन छोटी हो जाती है बिकॉज आई एम शूटिंग दिस विद माई फोन सो बेयर विद मी नेक्स्ट इज सोमोरीरी मैंने आपको बता दिया नाउ एंडोरिक लेक है ये ओके okay, इसका मतलब क्या है इसकी कोई आउटलेट नहीं है ये बहुत वैसे है और इसीलिए ही ये सलाइन है ओके okay, इसका कोई आउटलेट नहीं जाता बाहर नेक्स्ट और ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है अपार्ट फ्रॉम चाइना फॉर ब्लैक नेक्ड ग्रीन एंड बार हेडेड गूज इन इंडिया सो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है जिसमें आपको कुछ एक्सट्रीम चीजें लग रही हैं बिकॉज अभी आजकल क्या होता है ना वो नहीं चलता कि ओनली आ जाए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यू नेवर नो ओनली करके स्टेटमेंट करेक्ट भी आ सकता है तो जहाँ पे भी कोई चीज़ सोल फैक्टर है वहां पे तो वो आप याद करिएगा नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में अगेन यू हैव फोर वेटलैंड भोज वेटलैंड सिरपुर वेटलैंड साख्या सागर एंड यशवंत सागर ये आपने नाम याद कर लिया अब आपको क्या करना है भोज को आप देखिए कि इसमें दो लेक्स हैं ओके भोजताल लेक और द लोअर लेक सिरपुर वेटलैंड इसमें आपको कुछ खास याद नहीं करना साख्या इज अगेन ह्यूमन मेड रिजर्व यशवंत सागर में आपको रिवर याद करनी है कि गंभीर रिवर है उस पर यह डैम रिजर्व है ओके यशवंत सागर इज अ डैम रिजर्व जो कि गंभीर रिवर पे है ओके एंड गंभीर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शिप्रा रिवर ओके एंड इधर पे सारे मिलती है ओके नेक्स्ट इज महाराष्ट्र नंदूर मधमेश्वर लोनार लेक एंड थाने क्रीक लोनार लेक आपको पता ही होगा आपने अभी तक पढ़ लिया होगा जोग्राफी में कि इट इज़ अ लेक जो कि मेटराइट से क्रिएट हुआ है ओके सो नंदूर मधमेश्वर की जब हम बात करेंगे सो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मतलब दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है गोदावरी एंड कड़वा रिवर्स ना देवलाली मीनू ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना ये सिर्फ और सिर्फ डरना रिवर में मिलती है ओके okay. एंड ये जो रामसर साइट है नंदूर मधमेश्वर इज अ सेंचुरी टू देवलाली मीनू इन्होंने एक सेंचुरी दी है सो अगेन देवलाली मीनू जो है ना आपको ये स्पीशीज़ याद रखनी है इट इज़ अ फिश ओके तो आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है लोनार लेक अगेन आई टोल्ड यू कि इट इज़ अ नेशनल जियो हैरिटेज मोन्यूमेंट से सोडा लेक एंड इट इज़ क्रिएटेड ओके एंड इट फॉल्स अंडर द मेलघाट टाइगर रिजर्व ओके अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट थाने क्रीक आपको इसमें रिवर याद रखनी है बेसिकली उल्हास रिवर बाकी मैंने ऐसे मैंशन कर दिया है कि इट इज़ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द इंडियन मैनग्रोव स्पीशीज नेक्स्ट इज मणिपुर में अगेन लोक तक स्पीशी लेक इम्पोर्टेंट है अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लस करके डाला है ना ऐसे ही आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं कि इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक फुंडीज़ मिलती है वहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है औरंगाई डेयर यू ऑलरेडी नो एंड इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड ठीक है नेक्स्ट इज मीज़ोराम मिजोराम में यू विल गेट पाला वेट लैंड जिसको हम पलक दिल भी बोलते हैं तो दिल इज वेट लैंड वहाँ पे ओके कॉम्पोनेंट ऑफ द पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाला से पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में चिलीका लेक यू ऑलरेडी नो दैट लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लगून इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड नाल बना वर्ल्ड सेंचुरी इज इम्पॉर्टेंट कि वो यहीं पर है और दया रिवर वो भी यहाँ पर है ओके लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स सो आपको यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें याद, तो याद, चीज़े याद रखनी है लाल बला बर्ड सेंचुरी एंड दया रिवर आई विल हाईलाइट दिस विद दिस ये ब्लू कलर तो आपको याद रहेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटेली याद रखनी है नेक्स्ट इज़ भीतर कनिका मैंग्रोव इसमें गहिर माता बन मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको पता ही होगा ऑलिव रेडली टर्टल्स के लिए भी पता होगा तो ये आपको याद रखना है सतकोसिया गौर जो है यहाँ पे बेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके एंड इट इज अ पार्ट ऑफ़ ईस्टर्न घाट्स लाइक रिवर्स वो पूछ चुके हैं कि ईस्टर्न घाट्स का कौन सा है तो यू नेवर नो कभी आपको वेटलैंड भी पूछ लिया जाए तो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सतकोसिया गॉर्ज इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड यहाँ पे बेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तंपारा लेक मैंने बता दिया है कि राइट बैंक पे ऋषिकल्या रिवर है ओके फ्रेश वाटर लेक है जो कि ऋषिकल्या रिवर के राइट बैंक पे है नेक्स्ट इज हीराकुड रिजर्वयर महानदी पे बिल्ड है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है देन बारगढ़ मेन कैनाल सेसोन केनाल एंड संबलपुर कैनाल आर लोकेट एसोसिएटेड विद दिस ओके और ये जो है ना कैटल आइलैंड के एक्सट्रीम पे लोकेटेड है सो so अगर अभी कभी आपको कैटल आइलैंड पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स टॉकिंग एम हीरा रिजर्व ओके okay? अनसुपा लेक अगेन इट्स अ फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक और महानदी रिवर के लेफ्ट बैंक पे सारंदा हिल्स ना ऐसे क्वेश्चंस ना कभी कभी आ जाते हैं आपको मैच तो फॉलोइंग में आ जाएगा कि सारंदा हिल्स के सामने लिखा होगा तो ओके okay, अनशुपा लेक ओके okay? तो इसीलिए आप इसको पाँच छः बार पढ़ेंगे ना आपको आराम से याद आ जाएगा दर इज एम्पल ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर प्रिलिम्स और आप इसको हफ्ते में एक बार भी देख लेंगे ना तो देट इज़ मोर देन सफिशेंट नेक्स्ट पंजाब में हरिके लेक है कांजिली है रोपर है ब्यास कंजर्वेशन रिज़र्व है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिज़र्व है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो छः है ना ये आपको याद करने हैं अब हरिके ब्यास आपको वैसे भी याद होगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बियास कंजर्वेशन रिज़र्व है ना इट इज़ द ओनली लोकेशन जहाँ पे अभी इंदस रिवर डॉल्फिन मिलती है क्योंकि बाकी पाकिस्तान में मिलती है यहाँ पे मिलती है एंड जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ना इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन में ना एक तो गेंजिस डॉल्फिन आती है एक इंडस रिवर डॉल्फिन आती है यहाँ पे घड़ियाल भी मिलते हैं ओके दिस इज द थिंग एंड काजिली ले के आगे मैंने लिख ही दिया है कि इट्स अ मैन मेड और हरी के जो है वो ब्यास और सतलंज के बगल में मतलब उधर से सॉरी बगल में नहीं है ब्यास और सतलुज से पानी आता है उसमें नेक्स्ट इज राजस्थान राजस्थान में आपको दो चीज़ें याद रखनी है केलाडियो घना नेशनल पार्क एंड सांबर लेक केलाडियो घना नेशनल पार्क इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पे है ये आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट इज कि गंभीर और बाणगंगा जो है वो दोनों रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं ओके दिस इज द थिंग नाउ केवलाडियो घना नेशनल पार्क के साथ कौन सा अलग दूसरा है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पे है वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ओके देर आर टू करेंटली पहले एक और था लेकिन अभी सिर्फ दो बचे हुए हैं ओके सो Uh, let me know. Next is, पहले चिली का लेक था जो कि अभी हटा दिया गया okay. Next, Calimer, Now, आ, है ओके नेक्स्ट तमिलनाडु पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ तमिलनाडु में ना फोर्टीन है सो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है उसको याद करने में बट आई टेल यू जिस तरीके से मैं याद करती हूँ उसी तरीके से आप भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं तमिलनाडु में फोर्टीन है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी कारी बर्ड सेंचुरी पिछावरम मैंग्रोव पालीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट गल्फ ऑफ मनाार मरीन बायोस्फेर रिजर्व वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वेलोड बर्ड सेंचुरी उद्यामरथंडपुरम बर्ड सेंचुरी वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वधुवूर बर्ड सेंचुरी कांजीरण कुलम बर्ड सेंचुरी कराईवेटी बर्ड सेंचुरी लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट शोला मीन्स फॉरेस्ट ओके नाउ ज़्यादा फोर्टीन देखिए आपको ये ज़्यादातर याद करनी पड़ेंगी बिकॉज़ ये रिसेंटली एडेड है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और ये अगर नाम के साथ ही आ जाए सामने तो दर अ टेंडेंसी कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं अब मैं कैसे याद कर सक करती हूँ ना नॉर्मली कुछ कुछ सारी नहीं जैसे कुलम हो गया आप ये देखिए यहाँ पर ना दर इज़ अ वर्ल्ड लाइक कुलम हो गया फिर सचिंद्रम हो गया पूरम हो गया फिर अगेन ऊपर भी होगा कुथन कुलम हो गया तो जिसमें भी ये लास्ट में ए एम आ रहा है ना कुथन कुलम अम अम करके पुरम अलम रम तो ये सारे मैं तमिलनाडु थोड़ा देख लेती हूँ उसके अलावा ये नूर वेडवुर ये श, मतलब थरूर आएगा सॉरी सुचिंद्रम थरूर ये जो ऊर वाले हैं ना ये भी तमिलनाडु में तो ये मेरा तरीका है अगर आपके पास और भी कोई अच्छा तरीका है तो आप कमेंट में कर सकते हैं सो दैट इट्स ईजी फॉर अदर्स ऑल्सो टू रिमेंबर ओके नेक्स्ट uh, ये फोर्टीन साइट्स हैं प्लीज़ इसको एक बार याद कर लीजिएगा बिकॉज ये रिसेंटली एडिड हैं और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि थोड़ी टर्म्स ऐसी हैं जो आपको याद नहीं होंगी नेक्स्ट डुगोंग आपको पता ही होगा कि यू पी इज़ ऑलरेडी आज द क्वेश्चन ऑन दैट इट इज़ अ हरबी वोर स्पीशीज़ एंड ये फ्लैगशिप मैमल है इस पार्क की ओके okay. और ये उसी साइड पर मिलती हैं मतलब नॉट ओनली इन गल्फ़ ऑफ मनार बट वहाँ पर मिलती हैं यूनिक एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बेलानो ग्लॉस दैट इज़ अ लिविंग फॉसिल बिटवीन दी इनवर्टी ब्रेड एंड वर्टी ब्रेड वो भी यहाँ पर है ओके okay. सो so, आपको ये याद रखना है नेक्स्ट इज त्रिपुरा ओके त्रिपुरा में आपको क्या करना है रुद्र सागर लेक है और वहाँ पे थ्री स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल मिलती है ओके नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपर गंगा रिवर है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है समन बर्ड सेंचुरी है समपुर बर्ड सेंचुरी है सांडी बर्ड सेंचुरी है सरसाई नावर झील है सुर सरोवर है जिसको हम कीथम लेक भी बोलते हैं हैदरपुर वेटलैंड है और बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है न ये सारी हैं ये बहुत सारी हैं वैसे आपको याद हो जाएंगी बट आ, मैं एक चीज़ बताती हूँ एस नाम से तो ज़्यादातर है लाइक सुल्तानगंज है वो सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको वैसे भी याद रहेगी बट मतलब याद होगी पहले से बट ये जो है ना समन समस्तपुर संडी सरसाई सरोवर ये ज़्यादातर एस नाम से ना आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सारी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी ओके okay. अब इधर पे याद करने के लिए क्या है अपर गंगा रिवर में गेंजेस रिवर डॉल्फिन मिलती है घड़ियाल मिलता है कुरकुड़ा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ओके इसका नाम आ, कभी आपको ऐसे भी आ सकता है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी ओके okay. ये 2015 में ही बदला गया था तो दिस इज समथिंग कि आपको दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं कभी भी पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी ये एक तो ऑक्सबो लेक्स हैं दोनों ऑक्सबो लेक्स हैं एंड लेक दूसरी चीज ये सरयू रिवर का पार्ट है ओके समन बर्ड सेंचुरी इज अगेन अ ऑक्सबो लेक सरोवर आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है यहाँ पे ओके जो कि स्लॉथ स्लोदीयर के लिए की गई थी यहीं पर है और उसको हम कीथम लेक भी बोलते हैं हैंदरपुर वेटलैंड जो है ना इट इज फेड बाई गेंजेस वहाँ पे गंगा से फेड होता है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोलानी रिवर विद इन उसी के अंदर हैदरपुर के अंदर है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके okay? तो मैंने कहा था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे आ रही है ना उनको इंटरलिंक करके आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल फ्लड प्लेन है ओके okay? नेक्स्ट उत्तराखंड यहाँ पे सिर्फ एक है असन कंजर्वेशन बराज मतलब असन कंजर्वेशन रिजर्व और यमुना रिवर से एसोसिएटेड है नेक्स्ट वेस्ट बंगाल ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड एंड सुंदरबन वेटलैंड ये दो हैं इसमें आपको सिर्फ सुंदरबन वेटलैंड याद करना होगा और उसमें बेसिकली आपको ज़्यादातर चीज़ें पता ही है कि इट इज़ एट ए कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर नेक्स्ट विद सिक्सटी थ्री में सिक्सटी नाइन में से ना सिक्सटी थ्री मैनग्रोव स्पीशीज़ जो है ना वो यहीं पे हैं ओके okay. ये इंडिया के एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सो so, uh, ये वेटलैंड्स थे एंड इसके नीचे मैंने आपको मैप uh, दिया हुआ है ओके दिस विल बी ईजियर फॉर यू टू लोकेट और आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि क्या क्या है और वेन यू आर रिवाइजिंग ना तो आपको ऐसे ही याद करना है कि सपोज आपने वेम्बर आर्ड देखा यहाँ पे अब आपको याद आना चाहिए कि वेम्बर आर्ट में आपने क्या क्या पढ़ा था कि वो जो नेहरू ट्रॉफी रेस थी वो भी यहीं पर होती है लॉन्गेस्ट है केरला का लार्जेस्ट है फिर आपको आइलैंड्स बताए थे मैंने और आपको याद होगा कि एक हमने मुंड्रो आइलैंड पढ़ा था वो कौन से से एसोसिएटेड था दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस ओके okay, तो आप वो अष्टमुडी उडीलेक से है ओके okay, सो so आपको ऐसे याद करना है तो द मोमेंट आप ऐसे याद करेंगे इट विल बी ईजिया फॉर यू टू रिवाइज और आपको और अच्छे से याद होगा सी रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट नॉ लेट्स कम टू द क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी ये एक्सप्लेसिटली वो क्वेश्चन है जो ऐसे आए हैं बाकी द वॉज अ क्वेश्चन की वाई इट इज कॉल दी लंग्स ऑफ इको सिस्टम और एक बार एक क्वेश्चन था कि राम सार वेटलैन से क्या होता है आपने प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे देखिए मैं ऐसे बता रही थी कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं लाइक दिस इज द क्वेश्चन इट वर्ज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस इज द वेटलैंड एंड लोकेशन उन्होंने पूछी हुई है ओके सी आई आ ट यू सस्टम कोटा पूछा हुआ है इट वॉज आर्ज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके तो अगर आपको याद होंगे तो फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन क्या हैं ओनली वन पेयर टू पेयर लेकिन आप सॉल्व कर सकते थे नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लाइक अगेन देव आज यू सी आप कर सकते थे मतलब जब आप पढ़ के जाएंगे ना इस तरीके से तो आपको याद रहेगा थर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया सो ईच ईयर यू विल फाइंड की वेटलैंड्स वाइज रिजर्व्स इनमें से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं सो इट्स गुड अगर आप उनको याद करके जाएं सी यू कैन डू जो गारंटीड है मतलब जो पक्का पढ़ा जा सकता है आप उसको पढ़ के जाइए रादर देन प्रेडिक्टिंग ऑन द लाइन्स कि क्या क्वेश्चन में आ सकते हैं सो so, आज के लिए इतना काफ़ी था एंड नेक्स्ट सीरीज मे बी विल बी इट विल बी ऑन वाइज रिजर्व्स या जो भी होगा आई विल लेट यू नो बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या फिर मेरे से कोई गलती हुई हो तो यू कैन करेक्ट मी इन दी कॉमेंट सेक्शन मैं और बाकी दिस वॉज द थिंग जैसे मैं पढ़ती हूँ मैंने वो आपको बताया है आई विल बी शेयरिंग द पी डी एफ एंड आपको इसके अलावा वैटलेंस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मतलब फॉर द प्लेसेज एंड लोकेशन जो है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि उसके अलावा उस उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए और अगर वो उसके अलावा आता होगा तो मुझे नहीं लगता मेजोरिटी ऑफ़ द लोगों को पता होगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द टेलीग्राम सेक्शन I'll be happy to help you. Thank you.